हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है। अगर कोई मोबाइल में कुरान पाक पढ़ रहा है और सामने कोई बैठा हुआ है तो ऐसे हाथ आगे करके पढ़ना चाहिए या नहीं? तो इस हवाले से पिछली नशिस्त में मैंने तफसीली जवाब दे दिया था, उसे आप हजरात सुन लें। मुख्तसरन उसका जवाब यही है कि कुरान पाक चाहे कागज़ पे छपा हुआ हो चाहे मोबाइल की स्क्रीन पे मौजूद हो, बहरहाल वो अल्लाह का कलाम है, उसका अदब ज़रूर करना चाहिए। और अदब का तरीका यही है कि अगरचे वो कुरान पाक आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, आप किसी की पीठ के पीछे बैठ के ना पढ़ें बल्कि थोड़ा सा रुख मोड़ लें या मोबाइल का थोड़ा सा जो है वो साइड तिरछा कर दें ताकि कुरान पाक की जो के जो हरूफ और अल्फाज हैं वो किसी की पीठ के पीछे ना हो और अदब का तकाजा बरकरार रहे।